हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बिजली बिल जमा कैसे किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि बिजली बिल जमा कैसे किया जाता है। IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो लॉन्च हुआ है, उसी से हम आपको बिजली बिल पे करके दिखाएंगे और व्यू भी करके दिखाएंगे, और आप चेक भी कर सकते हैं आपके मंथ का कितना बिजली बिल आया है और जमा भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहीं पर सारा जानकारी आपको दिया जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बिजली बिल जमा करने के लिए। बिजली बिल जमा करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो अगर आप इस ऐप्स को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक है, तो उसको क्लिक करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एम पिन से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डैशबोर्ड खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको बिजली बिल जमा करने के लिए पे बिल्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग होगा, तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पे हम जो है बिजली बिल का रिचार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट बिलर्स कैटेगरी, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को ही रहने देते हैं। अगर और भी कोई चीज़ को आप पे करना चाहते हैं, लोन, LPG, सिलेंडर, गैस, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे रहने देते हैं क्योंकि हमको बिजली बिल जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट बिलर लोकेशन, तो आप किस स्टेट से हैं, जो भी आपका स्टेट होगा वो आप यहाँ पे अपना देख के सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट बिलर्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है इंडियन पावर कॉरपोरेशन, तो आपका जो भी आप कंपनी का बिल यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ बिहार पावर का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर बीच वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पूछा जाएगा CA नंबर यानी कि कंज्यूमर नंबर। तो आप जब बिजली लेते समय आपको जो है कंज्यूमर बनाया गया है, तो उसी में एक नंबर होता है कंज्यूमर नंबर, तो वही आपको डालना पड़ेगा कंज्यूमर नंबर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है जितना भी बिजली बिल होगा यहाँ पे सारा कुछ दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं CA नंबर जो आपका ये है जो अभी आप डाले होंगे, उसके बाद बिल नाम जो है बिलर, उसके बाद बिल नंबर जो है यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद बिल डेट यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बिल ड्यू डेट भी आपको दिखाया जाएगा, और आपका कितना आया है इस मंथ का बिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 324 रुपया मेरा इस मंथ का बिल आया है। आपका जो भी आएगा यहां पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट यहां पे 324 है। उसके बाद बैंक अकाउंट पे बैंक अकाउंट नंबर, आप कौन से बैंक अकाउंट के नंबर के साथ बिजली बिल पे करना चाहते हैं, तो यहां पे आपको सारा कुछ डिटेल्स दिखा दिया जाएगा। तो अगर आप पे करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक करके जो है आपका दोबारा OTP आ जाएगा। हाँ, आपको जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ये OTP जाएगा, जो आप अकाउंट ओपन करवाते समय जो नंबर दिए थे उसी पे आपको OTP आएगा। तो OTP आने के बाद जो है आपको जो है सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बिजली बिल जो है सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पर आप पूरा जो है अपना हिस्ट्री देख सकते हैं, बिजली बिल का ट्रांजैक्शन आईडी भी आप देख सकते हैं, और आपका कितना बिल पेमेंट हुआ है वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो नीचे में ऑप्शन दिखा हुआ है प्रिंट का, प्रिंट करना है इस बिजली बिल पेमेंट का, तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। नीचे में प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहां पे प्रिंट कर सकते हैं।
इसी तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बिजली बिल जमा कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिकॉर्डिंग तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।